हेलो फ्रेंड्स, कोमल्स किचन में आपका स्वागत है। आज कोमल्स किचन में बनने वाली है मिठाई। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। सबसे पहले तो रक्षाबंधन आने वाला है, तो मैंने सोचा चलो कोई मिठाई ही ट्राई करते हैं। मैंने भी आज इसे पहली बार बनाया है, तो आज मैंने बनाया है काजू रोल, लेकिन बहुत ही कम काजू से ये तैयार हो जाएगा। इसमें सिर्फ हमने 10 काजू यूज़ किए हैं, लेकिन खाने में ये बिल्कुल काजू रोल की तरह ही लगेगा। और सबसे खास बात है फ्रेंड्स कि ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाता है, बिना गैस को ऑन किए हुए। जी हाँ, तो चलिए हम देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक ग्राइंडिंग जार लेना है। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप शुगर। अब इसमें हमने 10 काजू लिए हैं, इसे हम डाल देंगे। इसमें हम 2 हरी इलायची डाल देंगे, छिलका हमने हटा लिया है। और इसका हम बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसका बिल्कुल पाउडर हमने अच्छे से बना लिया है। अब इसे मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, फिर से हम ग्राइंडिंग जार लेंगे और ये हमने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, ये 1/2 कप है। इसे भी हम ग्राइंडिंग जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। देखो पाउडर बना लेना है इसका हमें, तो इसे भी हमने ग्राइंड कर लिया है। इसे शुगर में मिक्स कर देंगे, जो शुगर को हमने ग्राइंड किया था। और फ्रेंड्स अब इसमें हम मिक्स करेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर, किसी ब्रांड का आप ले सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फ्रेंड्स में मिक्स करेंगे दूध। दूध आप ठंडा ले, गर्म दूध ना ले, नहीं तो चीनी मेल्ट हो जाएगी और थोड़ी सी चिपचिपी हो जाएगी आपकी मिठाई। दूध को हमें ज़्यादा नहीं डालना है, हम 2 टेबल स्पून यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालें। हाथ से अच्छे से मिक्स करें। अभी हमने 1 टेबल स्पून डाला था, 1 टेबल स्पून और डाल देंगे। अब इसे हल्के हल्के हाथ से मिक्स करें। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल डो के फॉर्म में आ गया है, बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। तो इसके हम पेड़े बना लेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स ये बिल्कुल डो की तरह रेडी हो गया और इसे 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है। अभी इसे इस तरीके से रोल करेंगे। एक हमने बटर पेपर ले लिया है, इसे इस तरीके से हाथों से पहले रोल कर लेंगे। तरीके से हाथों से इसको रोल करें।
तो फ्रेंड्स इसे हम कट कर लेंगे थोड़ा, ताकि इसको फ्रिज में आसानी से रख सके और किसी एयर टाइट डब्बे में से ट्रांसफ़र कर देंगे। आप चाहे तो बटर पेपर में ही इसे लपेट के रख सकते हैं, और अगर आप फ्रिज में नहीं रखना चाह रहे तो एक घंटे के लिए पंखे के नीचे से रख दें। इसी तरीके से हम बाकी के रोल्स तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम सारे रोल्स तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए रोल्स को हमने रेडी कर लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए हम फ्रीज में रखेंगे एयर टाइट कोई कंटेनर में डाल के। आप चाहे तो एक घंटे के लिए इसे पंखा के नीचे भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं, हमने निकाल लिया है, तो चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपको जो भी साइज पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप कट कर ले। मैं थोड़ा मीडियम साइज ही इसको रखने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स चांदी का वर्क तो हमने लगा दिया है, तो थोड़ा सा इसको और सजाते हैं, थोड़ा इसमें पिस्ता लगाते हैं तो इससे और ये अच्छा दिखेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए काजू रोल बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसे मैं एक तोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल मार्केट वाली टेक्सचर में बनी है ये काजू रोल।